सो गाइस हमने करी 90 डेज शॉर्ट चैलेंज एंड जिससे हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिला। ओए तुम गलती कर रहे हो, रिजल्ट पहले दिखाना नहीं होता, लास्ट में होता है। ओह सॉरी कट कर देना, कट कर देना प्लीज। सो गाइस हमने करी अपने चैनल पे 90 डेज शॉर्ट चैलेंज एंड इससे जो हमें रिजल्ट एंड एक्सपीरियंस मिला इस सब मैं आप लोगों के साथ आगे चलकर शेयर करने वाला हूँ। तो इसके लिए वीडियो का कोई सा भी पार्ट मिस करने की गलती मत करना क्योंकि मैं बार बार ऐसे एक्सपेरिमेंट करने वाला नहीं हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने माइंड बनाया था कि 90 दिनों तक मैं शॉर्ट अपलोड करूंगा कंसिस्टेंटली, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अपलोड करूं भी तो करूं क्या। लेकिन देन अचानक से मेरे शैतानी दिमाग की किचन में एक आइडिया पक गया कि मैं अपने शॉर्ट चैनल पे डिफरेंट चीजें ट्राई करूंगा। तो उन सबसे मुझे क्या रिजल्ट मिला तो चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं मजा आएगा। डे 1। सो इसके बाद डे 1 में मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया जिस पे पता है कितने व्यूज आ गए, 89। एंड आई वाज लाइक ब्रो मैं तो यूट्यूब का गॉड हूँ, सिर्फ व्यूज मुझे ही आते हैं और किसी को नहीं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। डे 2। अब डे 2 पे हमने और हार्ड वर्क करके एक और शॉर्ट बनाई जिस पर 161 व्यूज आ गए। कोई बात नहीं, पहले से तो ज्यादा है। अब इस मरतबा व्यूज एंड वॉच टाइम आर दोनों के एरो ऊपर की जानिब थे, तो इससे मुझे एक आइडिया मिल गया कि अब से मैं पोएट्री डालूंगा। तो इसके बाद इवनिंग तक मैंने एक और पोएट्री डाल दी एंड इस पर मुझे काफी तगड़ी रिस्पॉन्स मिली। इस पर मुझे पहले दिन 1200 व्यूज मिल गए। अब ये मैं अपने ओपिनियन बता रहा हूँ। अब इससे मुझे एक और आइडिया भी मिल गया कि शॉर्ट वीडियो के लेंथ को जितना भी कम रखेंगे उससे हमें उतना ही ज्यादा व्यूज मिलेंगे एंड ऑडियंस रिटेंशन उतना ही बढ़ेगा। तो चलिए अब से सेम स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। डे 3। तो ये हमारे शॉर्ट चैलेंज का तीसरा दिन जिस पर मैंने शॉर्ट अपलोड की और मुझे 361 व्यूज मिल गए। तो इससे आप लोग देख सकते हैं कि शॉर्ट का एरो 6 घंटे के बाद एकदम से ऊपर की जानिब गया है। तो इससे मेरे शैतानी दिमाग की किचन में एक और आइडिया पक गया कि जब कभी भी मैं शाम के टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो ये 6 से 7 घंटे बाद ही वायरल होंगे। तो शाम को अपलोड करने के बाद ये रात के 1 या 2 बजे वायरल होंगे। तो इससे 1 या 2 बजे हमें एक्टिव सब्सक्राइबर मिलेंगे नहीं, तब इसके बाद मेरी वीडियो 1000 या 2000 पे जाकर रुक जाती है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा क्या कि 1 से 2 बजे के दरमियान मैं वीडियो को अपलोड करूंगा। डे 14। तो अब हमारे चैनल के सेकंड वीक कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने डिफरेंट चीजें ट्राई की, मैंने वीडियो अपलोड करने का टाइम चेंज किया, इनके टैग्स टाइटल में एक्सपेरिमेंट की। तो इसके बाद मैंने वीडियो अपलोड की, इस पर 6000 व्यूज आ गए और इसमें हमारी ऑडियंस रिटेंशन 95% थी, लेकिन फिर भी एरर डाउन शो हो रहा था। एंड इसके बाद मैंने इस चैनल पे बहुत सारे शॉर्ट्स अपलोड किए जिस पे मुझे 1000, 2000, 3000, 1200 कुछ ऐसे व्यूज मिले। एंड देन इसके बाद 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद मैंने इस चैनल को छोड़ दिया। एंड देन फिर 13 जुलाई का दिन था एंड मैंने सोचा कि क्यों ना इस चैनल पर लॉन्ग वीडियो ट्राई करूं। हार्ड वर्क तो मैंने बहुत किया इस चैनल पे, तो चलिए इस पर लॉन्ग वीडियो ट्राई कर लेते हैं। तो लॉन्ग अपलोड करने से पहले मेरे पास एक शॉर्ट वीडियो थी जो मैंने पहले एडिट की थी लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि इस शॉर्ट को अपलोड करूंगा, तो इसके बाद शाम तक मैं अपने लॉन्ग वीडियो को एडिट करके अपलोड करूंगा। तो मैंने शॉर्ट वीडियो को अपलोड किया एंड याद रखना हमारे 90 डेज शॉर्ट चैलेंज से अभी भी 1 महीना बाकी था। एंड शाम के टाइम मैंने इसको अपलोड किया एंड सुबह उठते ही मेरे वीडियो पे 6 लाख व्यूज। At that moment I was shocked and I was like मैं पागल हो जाऊंगा। एंड देन फिर शाम के टाइम तक उस वीडियो पर 1.4 मिलियन व्यूज आ गए। तब उस टाइम मेरे सारे शॉर्ट वीडियो को लगा था कि चैनल मर चुका है, पर मेरे लास्ट वीडियो ने कहा Not to worry Uday, अभी हम जिंदा हैं। तो उसके बाद मैंने उस लास्ट 30 डेज में किया क्या एंड मेरे उस वीडियो पे इस टाइम कितने व्यूज है एंड मैंने अपने 90 डेज शॉर्ट चैलेंज पर अपना चैनल मोनेटाइज करवा के दिखा दिया कि नहीं। इसके लिए अगर इस वीडियो पे 150 लाइक आते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।